हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द स्पाउस वीज़ा यूके, यूके का स्पाउस वीज़ा अगर हम अप्लाई करें तो उस पर कितना टाइम जो है वो लग सकता है। करंटली द यूके स्पाउस वीज़ा प्रोसेस टाइम इज़ नियरली अराउंड जो है आप 3 मंथ्स जो है वो कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इस भी अराउंड 12 वीक्स जो है ये बनते हैं। हाउ एवर इफ़ योर स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन इज़ कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स का वर्ड आता है उसमें ये आता है कि लेट्स से अगर आपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें ऑलरेडी अगर कोई इश्यूज़ थे, चाहे उसमें डिवोर्स का सर्टिफिकेट अगर आप किसी की डिवोर्स थी ऑलरेडी तो वो उसमें आप प्रॉपर नहीं लगा सके, या आप अगर किसी के ऑलरेडी स्पाउस के बच्चे थे वो आप उनको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या इस किस्म के जितने भी इश्यूज़ आते हैं तो दैट्स कॉल कॉम्प्लेक्स केस, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अगर एक किसी का बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पाउस केस है तो नॉर्मली जो है अप्रॉक्सीमेटली वो 3 मंथ्स जो हैं वो लगा देते हैं। व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन सबमिशन से मुराद ये होती है कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की, उनकी फ़ीस पे की और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो निकल आती है और आपने अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं जिसको बायोमेट्रिक कहा जाता है जब वो आप देते हैं तो आपका टाइम फ्रेम जो है वहाँ से स्टार्ट होता है।